आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी की सहयोग से और सरकार की अनुमति से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम आयोजन किया है। इसको सारे भारतवर्ष में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न सेवा केंद्र और विभिन्न वर्ग के भाई बहने जोड़ करके एक विशेष समारोह का आयोजन किया। उसका उद्घाटन 20 तारीख सुबह प्रातः 10:30 बजे माननीय यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। श्री जी किशन रेड्डी जी जो सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री जी है वो भी उपस्थित रहेंगे। इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। तुझसे ही तो जिंदा हूं मैं ओ मेरे, ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है। इसमें लगभग हम लोग 30 कार्यक्रम को इस साल जनवरी टू दिसंबर तक आयोजन करेंगे अलग अलग स्थानों पर। सारी देश में 75 से अधिक कार्यक्रम करेंगे और हर कार्यक्रम को लगभग हमारा टारगेट है 10 करोड़ पॉपुलेशन को रीच करने के लिए। और इस कार्यक्रम को हमारा संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी के अध्यक्षता में देश के विदेश के भाई बहन भी जुड़ कर के भी सहयोग देंगे। इसके लिए मैं सबको इस देशवासियों से आह्वान करता हूँ, हम सब मिल कर के एक स्वप्न भारत का स्वप्न, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, भव्य भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्य में जुड़ेंगे। ओम शांति। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। भारत, 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 भारत। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भारत, भारत, भारत।